Hello everyone, welcome to LK Academy. We will continue with your current affairs lecture number 10. Okay, I hope you have done the homework that is given to you, the topics that is given to you, and the question answer that is for your test. Okay, chaliye to pehla aapko question number 1 diya gaya tha related with to RTGS. Okay, so the right answer is option number B, 1 only. Okay, kya tha ye, sentence by sentence hum log check karenge. Consider the following statements. Statement number 1, real-time gross settlement is in 24/7 online fund transfer method. Okay, so now this is wrong. Okay, kabhi agar aapne RTGS agar use kiya ho, so you must know that wo bank ke timing ke dauran hi available hota hai. Okay, aap kabhi bhi out of bank hours ओके आप उसको यूज नहीं कर सकते. ओके अगर तब आपको यूज करना है सो यू नीड टू यूज IMPS और यू हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट बैंकिंग आवर्स. ओके सो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज नॉट अ 24/7 ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम. ओके रादर इट इज अ बैंकिंग आवर लिमिटेड फैसिलिटी. ओके स्टेटमेंट 2, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज UPI. ओके जो भीम एप्लीकेशन यूज करते हो that is UPI system merges multiple bank accounts into a single mobile application of any participating bank. okay so this is correct. okay so ye aapka ho gaya sahi. okay aapko ek bank se kisi bhi bank mein aap okay jo participating bank hai usme aap paisa transfer kar sakte ho. statement number 3, under aadhaar enabled payment system bank details are not required for fund transfer. okay it is aadhaar enabled payment system. ओके सो आपको बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब आपको पूछा क्या गया था यहाँ पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर नॉट करेक्ट. ओके सो नॉट करेक्ट में क्या आपका ऑप्शन आएगा, ओनली वन इज नॉट करेक्ट. ओके सो आपका ऑप्शन होगा वन ओनली. ओके क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. ओके नाम से ही पता चलता है कि इस्लामिक देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके रिलेटेड ये टॉपिक आपको दिया गया है. ओके सो स्टेटमेंट 1 है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. देखिए इसका आंसर देने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है. ओके तो वो है आपका यूनाइटेड नेशंस. ओके और जिसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 193. ओके सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके दैट इज OIC जो ज़्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं. ओके चाहे अरब कंट्रीज हो या यूरोप के जो इस्लामिक कंट्रीज है, एशिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है. ओके जिसमें मेंबर कंट्रीज की संख्या है 57. ओके टोटल 57 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं. ओके सो दिस इज करेक्ट. ओके इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. इन स्टेटमेंट 2, इंडिया इज द मेंबर ऑफ OIC. रॉन्ग. ओके दो इन 2018 इंडिया को चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पे बुलाया गया था और सुषमा स्वराज OIC में एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट उन्होंने किया था एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OIC. ओके चलिए तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट करेक्ट, ओनली वन. सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस विथ अ मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट्स. ओके और जैसे कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस में वो संख्या कितनी है, 193 आर मेंबर कंट्रीज एंड 2 आर ऑब्जर्वर कंट्रीज. ओके इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. इट एंडेवर्स टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी अमोंग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अपॉन अ डिसीजन ऑफ द हिस्टोरिकल समिट which took place in Rabat, Kingdom of Morocco on the 25th September 1969. Okay, headquarters
Jeddah, Saudi Arabia. India is not a member of the OIC. However, India was invited as a guest of honor at 46th session of the Council of the Foreign Minister in 2019. Okay, 2019 is the 50th anniversary of OIC. Okay, so 2019 में सुषमा स्वराज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम सुषमा स्वराज वॉज दी अवर फॉरेन मिनिस्टर. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया था. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स और जो सही पेयर है वो आपको आंसर में लिखनी है. ओके, चलिए. तो एक साइड आपको ट्रेडिशन दिया गया था और दूसरी साइड आपको स्टेट दिया गया था. पहला था मडियट्टू. नाउ मडियट्टू इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम केरला. ओके, संकीर्तना इज डांस फॉर्म फ्रॉम मणिपुर एंड कालबेलिया इज डांस फॉर्म फ्रॉम राजस्थान. ओके, सो आपका सही आंसर होगा 3 ओनली. This was quite an easy question for you. Okay, चलिए. अब as a GPSC aspirant, I expect that जब मैं आपको कोई question दे रहा हूँ मडियट्टू, संकीर्तना या कालबेलिया के related, तो आप साइड में दूसरा टैब ओपन करके उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए. If it is important, then make your notes. Okay, इस तरीके से आपको preparation करनी है. Okay, चलिए. Okay, so यहाँ पे थोड़ा आपको मैंने pictures दिए हुए हैं. ये जो ओके, दिस इज कालबेलिया. ओके, दिस इज मडियट्टू नंबर 2. ओके, एंड नंबर 3 दिस इज संकीर्तना फ्रॉम मणिपुर. ओके, और मणिपुर में जब हमने क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि संकीर्तना में ढोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट. ओके, सो दीज आर योर न्यूज. ये जस्ट मैंने आपको पिक्चर दिए हुए हैं, आप जाके उसकी डिटेल्स जान सकते हैं. ओके, चलिए इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. एंड दैट इज GI टैग गिवन टू 2 प्रोडक्ट्स. ओके, कौन से 2 प्रोडक्ट्स है? झारखंड का सोहारी खोवर पेंटिंग एंड तेलंगाना का तेलिया रुमाल. ओके, सो रिसेंटली झारखंड सोहराई खोवर पेंटिंग एंड तेलंगाना तेलिया रुमाल हैव बीन गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सोहराई खोवर पेंटिंग. द सोहराई खोवर पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक mural art. Okay, a mural is any piece of artwork painted or applied directly on the wall, ceiling or other permanent surfaces. Okay, so ye aapko dhyan mein rakhna hai, ye aapko di gayi hai definition for the mural art. Okay, agar koi piece of art agar directly koi permanent surface pe agar kiya jata hai, okay, so that is known as mural art. आपको मुझे एक लिस्ट बना के देनी है कि इंडिया में, ओके, इंडिया में और स्पेसिफिकली गुजरात में म्यूरल आर्ट कौन से है. ओके, आपको मुझे एक लिस्ट कमेंट बॉक्स में बतानी है. इट इज़ दी बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय दी लोकल ट्राइबल वुमन ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन्स यूजिंग लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द एरिया ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. ओके, सो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में ये पर्टिकुलरली ये सोहराई खोवर पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी. स्टाइल फीचर्स प्रोफ्यूजन ऑफ लाइंस डॉट्स एनिमल फिगर्स एंड प्लांट्स ऑफन रिप्रेजेंटिंग रिलीजियस आइकोनोग्राफी विजुअल इमेजेस और सिंबल्स. ओके, सो जो लोकली जो रिलीजियसली वहां से प्रेरित होके ये बनाई जाती है. ओके, इंस्पायर होके. ओके, चलिए. इट हैज बीन पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस इन झारखंड सच एज द बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इन रांची. ओके, तो झारखंड में ऑलरेडी इसको रिकॉग्निशन मिल चुका है आफ्टर गेटिंग द GI टैग. आफ्टर रिसीविंग द GI टैग सोहराई खोवर पेंटिंग्स आर नाउ नोन ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. ओके, चलिए. सेकेंड प्रोडक्ट इज तेलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना. तेलिया रुमाल क्लोथ इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क ऑफ कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ डिजाइंस एंड मोटिव्स ऑफ 3 पर्टिकुलर लोर्स रेड ब्लैक एंड वाइट. ओके, तो 3 पर्टिकुलर कलर्स से यहाँ पे ये चीजें बनाई जा रही है रेड वाइट एंड ब्लैक. आपको यहाँ पे वो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिख रहा होगा. ओके, इट इज एन आर्ट ऑफ इकत ट्रेडिशन यूजिंग नेचुरल वेजिटेबल डाइज.
इकत इज अ डाइंग टेक्निक यूज्ड टू पैटर्न टेक्सटाइल्स. ओके, अगर आपके आसपास कोई टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ बंदा होगा, ओके, तो सूरत तो ऑलरेडी हब है. ओके, सो आपको वहाँ पे वो इकत ट्रेडिशन आपको वहाँ पे पता चलेगा. ओके, एंड आई एम श्योर दैट आपके आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में आप ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट. इसकी यूनिकनेस क्या है? तेलिया रुमाल कैन ओनली बी क्रिएटेड यूजिंग द ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस एंड नॉट बाई एनी अदर मैकेनिकल मीन्स एज अदरवाइज द वेरी क्वालिटी ऑफ द रुमाल वुड बी लॉस्ट. ओके, सो अगर इसको मशीन से या बनाने अगर जाओगे, ओके, या लूम्स से अगर इसको बनाने जाएंगे, ओके, तो इसकी जो क्वालिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी. इसीलिए ये उसकी यूनिकनेस है कि उसको हाथों से ही, ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस से ही उसको बनाया जा सकेगा. ओके, द तेलिया फैब्रिक्स वर यूज्ड बाय नोबेल्स इन हैदराबाद. ओके, काफ़ी सालों से ये यूज होते आ रहे, बेसिकली वही आपको यहाँ पे कहा गया है. ओके, और ये काफ़ी सालों से एक्सपोर्ट भी होते आ रहे. ओके, चलिए, और ये ऑलरेडी हम बार 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 इसको देख चुके हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस. तो दिस इज फॉर दोज जिन्होंने जी आई टेक के बारे में जिनको रिवाइज करना है. ओके, तो यू कैन जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम हियर. ओके, दिस इज फॉर योर सेल्फ स्टडी. ओके, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले काफ़ी एक दो सालों तक डिस्कशन में रहेगा, ओके, गवर्नमेंट की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी, दैट इज आत्मनिर्भर भारत एंड इकोनॉमिक स्टिम्यूलस. ओके, तो 17 मई को जब लॉकडाउन खत्म होने वाला, उससे दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने नेशन वाइड एड्रेस में ये कहा, ओके, कि भाई अब लॉकडाउन खुलेगा और आत्मनिर्भर भारत की शर्तों के साथ खुलेगा. तो क्या मतलब है आत्मनिर्भर का? ओके, कि आपको लोकल प्रोडक्ट्स जो आपके यहाँ पे मिल रही है उसको प्रमोट करना है. ओके, उसको, उसकी खरीदारी करनी है और लोगों को एनकरेज करना है कि भाई लोग भी लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज करें. क्यों ऐसा? क्योंकि COVID-19 की वजह से जो इकोनॉमी पीछे चली गई है, ओके, अगर हम और देशों से सामान मंगवाते रहेंगे तो हमारा उधार धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है. ओके, जबकि हमें ज़रूरत है उससे बाहर निकलने की, और ये कब होगा? जब मैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यूज़ करूँगा. ओके, अगर मैं ये आगे ऑलरेडी हम डिस्कस एक्चुअली कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट जो है. ओके, अगर मेरे सामने मार्केट में चाइनीज़ मोबाइल और इंडियन मोबाइल पड़ा हुआ है, ओके, तो अंडर आत्मनिर्भर भारत व्हाट शुड आई सिलेक्ट? आई शुड सिलेक्ट द इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल और फॉर दिस सेक एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज द सोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत. ओके, चलिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान और द सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन विथ एन इकोनॉमिक स्टिम्यूलस पैकेज वर्थ 20 लाख करोड़ एम्ड टूवर्ड्स अचीविंग दी मिशन. ओके, ये इकोनॉमिक स्टिम्यूलस के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पर्टिकुलरली डिस्कशन करेंगे. ओके, क्योंकि वो हमें काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए. ओके, द अनाउंस्ड इकोनॉमिक पैकेज इज 10% ऑफ इंडियाज GDP इन 2019. ओके, तो ये काफ़ी यूरोपियन कंट्री की टोटल इकोनॉमी से भी ज़्यादा है. ओके, USA ने 13% जितना अपने GDP का पैकेज अनाउंस किया है. ऐसे ही काफ़ी देशों ने ऐसे फिनेंशियल पैकेज अनाउंस किए हैं. क्यों अनाउंस करने पड़े फिनेंशियल पैकेज? ताकि जो लॉस हुआ इंडस्ट्रीज़ को उससे उभर पाए. ओके, आने वाले महीनों में. ओके, द अमाउंट इंक्लूड्स पैकेज इज ऑलरेडी अनाउंसड एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन इनकॉर्पोरेटिंग मेजर्स फ्रॉम द RBI एंड द पे आउट्स अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ओके, तो 20 लाख करोड़ में उन पैसों को भी जोड़ दिया गया है जो लॉकडाउन स्टार्ट होते ही जो फायदा RBI की तरफ से दिया गया था. ओके, जो राहत RBI की तरफ से दी गई थी और जो पे आउट्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिए गए थे. ओके, हमें पता है कि भाई 500 रुपये हर महीने गरीब कल्याण योजना के तहत दिए गए थे सबको, तो उस योजना को भी दिस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंडर इंक्लूड कर दिया गया है. ओके, द पैकेज इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन लैंड लेबर लिक्विडिटी एंड लॉस. ओके, देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने लेबर लॉज में चेंजेस करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट से
परमिशन मांगी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने ऑलरेडी वो परमिशन दे दी है। लेबर लॉस से, लेबर लॉज में अमेंडमेंट करने से क्या होगा कि जो ऑन ग्राउंड लेबर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाया जाएगा, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए, ओके, आने वाले कुछ समय के लिए ये भी प्रपोजल है कि उनको एक मिनिमम वेज जैसा सिस्टम बनाया जाए, ओके। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें उस पर भी अपडेट मिले, ओके। चलिए, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन जो है वो बेसिकली 5 पिलर्स पे खड़ा किया गया है, ओके। फर्स्ट इज इकोनॉमी, ओके। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज सिस्टम, फोर्थ इज डेमोग्राफी एंड फिफ्थ इज डिमांड, ओके। सो ये 5 पिलर्स है जिसपे सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन का जो ढांचा है उसको रेडी किया गया है, ओके। द सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन एम्स टूवर्ड्स कटिंग डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ओके। जैसे कि हम क्लास में जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर वाला इश्यू जब हमने पढ़ा था, ओके, तब हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम काफी सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड से जुड़े हुए हैं, ओके, बट ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, ओके, हम ट्रेड डेफिसिट में व्यापार कर रहे हैं। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि जितना आयात हो रहा है उससे कम निकास हो रहा है, जितना इंपोर्ट हो रहा है उससे कम एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं चाइना से 1,000 रुपए की चीज मंगवा रहा हूँ तो उसके सामने मुझे चाइना को 1,000 की चीजें भेजनी भी है, बट वो चीज नहीं हो रही है ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, चाइना से 1,000 का सामान आ तो रहा है बट इंडिया से सिर्फ 600 या 500 रुपए का सामान चाइना में जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो 500 रुपए का जो गैप हुआ, ओके, वो मुझे चुकाना पड़ेगा किसको, चाइना को, ओके। वो अब धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। सो दैट इज योर इम्पोर्ट डिपेंडेंस, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना है। By focusing on substitution while improving safety compliance and quality goods to gain global market share. Okay, the self-reliance neither signifies any exclusionary or isolationist strategies but involves creation of a helping hand to the whole world. Okay, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीजें बॉयकॉट कर रहे हैं, चाइनीज सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं या यूएसए के कंपनीज के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, नो। दिस मीन्स के आपके देश में आपको इतना मैन्युफैक्चर करना है कि आप बाकी के कंट्रीज को भी वो सामान सस्ते में दे पाओ। इससे आपके लोगों को भी फायदा होगा और दुनिया वालों को भी फायदा होगा। जैसी स्ट्रेटेजी भी कौन अपना रहा है, चाइना, ओके। तो चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन। द मिशन फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स। The mission will be carried out in 2 phases. Phase 1, it will consider sectors like medical, textiles, electronics, plastics and toys where local manufacturing and exports can be promoted. Okay, ये हम जब textile mission के बारे में जब हमने पढ़ा था तभी भी हमने ये चीज ध्यान में ली थी। और phase 2 क्या होगा, it will consider products like gems and jewelry, pharma and steel etc. Okay, चलिए, तो ये basically आपका हो गया आत्मनिर्भर मिशन, ओके। द मिशन वुड बी बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, ओके। एंड दिस विल बूस्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ओके, और कॉम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ओके। चलिए, इसके जो स्टिम्यूलस पैकेजेस की यहाँ पे जो बात की गई, ओके, जो आप यहाँ पे इकोनॉमी स्टिम्यूलस, उसकी आने वाले लेक्चर्स में हम स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे, ओके। चलिए, आई advise you to just go through at a glance with all stimulus packages. हर इंडस्ट्री के लिए, हर इंडस्ट्री को ऑन ग्राउंड क्या फायदा पहुंचेगा, कैसे फायदा पहुंचेगा, उसके बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे, ओके। चलिए, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस न्यूज इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू गुजरात, एंड दैट इज एनलमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ MLA. ओके, आपको पता होगा कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की जो MLA सीट थी, ओके, उसको हाईकोर्ट ने उस इलेक्शन को खारिज कर दिया था,
अब खारिज कर दिया तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो अपनी सीट छोड़ देते ओके, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। वो गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एज ऑफ नाउ उस पर स्टे लगा दिया है ओके। इसका क्या मतलब है कि वो एमएलए के पद पर बने रहेंगे, अपनी एमएलए की पोस्ट पे बने रहेंगे अनलेस एंड अंटिल जब सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग स्टार्ट नहीं करती और उसका कोई वर्डिक्ट नहीं दे देती ओके। चलिए, क्या था ये? तो हाई कोर्ट में ये पता चला, जब हाई कोर्ट में उनके उनके अपोनेंट जो थे ओके, वो चुनाव लड़े थे धोड़का कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात से ओके, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है ओके, धोड़का कॉन्स्टिट्यूएंसी गुजरात से। अब वो काफ़ी लेस मार्जिन से जीते थे, तो हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस किया गया था। क्या केस किया गया था? कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ घोटाला करके जीते हैं ओके। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन इतना फुल प्रूफ है, फिर कैसे आप गड़बड़ घोटाला कर सकते हो ओके। बट इट इज पॉसिबल ओके। और यहाँ पे भी हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट का, जो फाइनल वर्डिक्ट का जो कॉपी है, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि इन्होंने वाया वाया करके इलेक्शन कमीशन के एक आदमी को, के जो बूथ का, जो काउंटिंग का जो एक वहाँ का ऑफिसर था ओके, उसको इन्होंने अपने पार्टी में ले लिया था, और उसने जो काउंटिंग थी उसमें कुछ तो गड़बड़ी की, और उसकी वजह से फाइनल राउंड में वो जीत गए ओके। चलिए, द गुजरात हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द इलेक्शन ऑफ अ बीजेपी लीडर इन 2017 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिस एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड ओके। मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड क्या क्या मतलब है? काउंटिंग के साथ उन्होंने क्या किया? छेड़छाड़ किया ओके। और वो एज ऑफ नाउ भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज संभाल रहे हैं ओके। पहला तो है वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की पोस्ट पे है, लॉ मिनिस्टर है गुजरात के ओके, रेवेन्यू मिनिस्टर है, ऑल्सो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज अवर एमएचआरडी, जिसको आप यूनियन लेवल पे एमएचआरडी होगा, वो मिनिस्टर भी है, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी है। देखिए कितने सारे हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियोज उनको दिए गए अंडर द विजय रूपानी कैबिनेट ओके। और अगर ये इनकी इलेक्शन अगर खारिज होती तो गुजरात गवर्नमेंट को काफी बड़ा धक्का लग सकता था, बट एज ऑफ नाउ उस पे स्टे लगा दिया गया है ओके। चलिए, द ऑर्डर पास्ड ऑन अ पिटीशन फाइल्ड बाय अपोजिंग कांग्रेस कैंडिडेट, जो धोड़का के जो अपोजिंग कांग्रेस कैंडिडेट थे उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी कि भाई ये गड़बड़ करके जीते हैं ओके। एलिजिड दैट द रिटर्निंग ऑफिसर हैड इलीगली रिजेक्टेड 429 वोट्स रिसीव्ड वाया पोस्टल बैलेट ओके। देखिए, ईवीएम में तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये तो अपना इलेक्शन कमीशन काफी सालों से बोलता आ रहा है, तो गड़बड़ी कहाँ की गई? पोस्टल बैलेट में। पोस्टल बैलेट कौन करेगा ओके? मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का बंदा, कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई जो टीचर है, जो कि कोई गवर्नमेंट ड्यूटी पे बिजी है, या तो कोई आर्मी का बंदा है, तो उन लोगों को पोस्टल बैलेट के थ्रू मतदान करने की फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी सबको ईवीएम के थ्रू वोटिंग करनी ओके। सो ये 429 वोट्स जो है उसमें गड़बड़ी की गई, वो नहीं काउंटिंग में लिए ही नहीं गए ओके, कंसीडर ही नहीं किए गए। कोर्ट हेल्ड इलेक्शन एज वॉइड, वॉइड का मतलब क्या है? उसको खारिज कर दिया गया, नल कर दिया गया ओके। उसको उसकी जो मान्यता थी इलेक्शन की वो रद्द कर दी गई अंडर सेक्शन 101(d)(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। द ऑब्जर्वेशन गेन्स रेलेवेंस सिंस द नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स वॉज मोर देन द विक्ट्री मार्जिन 327 ओके। अब देखिए, क्यों इतना कांग्रेस कैंडिडेट लड़ रहा था ओके? मान लीजिए अगर वो 10,000 वोट से जीते होते तो ये 429 जो निग्लेक्ट किए गए थे वो मायने नहीं रखते, बट वो विक्ट्री मार्जिन कितना था? 327 जितना विक्ट्री मार्जिन था। अगर ये विक्ट्री मार्जिन को हम ध्यान में रखें, और अगर ये 429 आप अगर काउंट करोगे ओके, हो सकता था कि वो वोट किसके होंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता के हो सकते थे, कांग्रेस के कैंडिडेट के हो सकते थे। इसीलिए हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई आपने माल प्रैक्टिस करी है और आपने मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स को किया है ओके। द जजमेंट ऑल्सो हैड दैट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन वॉज नॉट फॉलोड गिविंग एन अनफेयर एडवांटेज टू द विनिंग कैंडिडेट एंड दस मटीरियली अफेक्टिंग द इलेक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर बींग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं कि आप चुन के आ गए तो आप 5 साल तक वहीं बने रहोगे। ओके, हमने जब इंदिरा गांधी के वक्त भी पढ़ा था 73 में रामनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ओके, तो उस टाइम पे भी ओके इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया गया था। ओके, उनकी लोकसभा की सीट रद्द कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से जीती थी। और सेम चीज यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। ओके, वो अलग बात है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके आगे हम अपडेट लेंगे। ओके, चलिए, क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए? ओके, सो सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन टू दी ओथ और अफर्मेशन बिफोर दी पर्सन ऑथोराइज बाई द इलेक्शन कमीशन, 25 साल से कम के आप नहीं होने चाहिए। ओके, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगर आप खड़े हो रहे हो तो 30 साल से कम की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। एंड दैट फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो एज होनी चाहिए मिनिमम एज 25 ईयर्स। नीड टू पजेसेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाई पार्लियामेंट। ओके, तो ये उसकी क्वालिफिकेशन हो गई। पार्लियामेंट्री प्रोविजंस आपको क्या कह रहे हैं? ओके, तो ये ऑलरेडी आप अपने पॉलिटी के लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन। क्यों मैं आपको रिविजन कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ आपको जोड़ के आपका पॉलिटी भी रिवाइज करना है। ओके, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न्ड स्टेट। ओके, अगर स्टेट की कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुन के आए हो तभी जाके आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकते हो। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट एंड टू बी क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर्स नॉमिनेशन ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन द कंसर्न स्टेट। ओके, अगर आपको गवर्नर के नॉमिनेशन के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है तो आपको उस स्टेट का रेसिडेंस प्रूफ आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। ओके, चलिए, गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला सिनेरियो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, सिर्फ 6 स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी। ओके, वो है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके, चलो, जम्मू कश्मीर में थी जिसको क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, उसको उसका डिसॉल्व उसको कर दिया गया था। ओके, और क्या चीज है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व्ड फ्रॉम देम। ओके, गुजरात में मान लीजिए कि छोटा उदयपुर सीट है या दाहोद की जो सीट है, तो ऐसी जो सीट, हर स्टेट में ऐसी कुछ कुछ ऐसी सीट्स रखी गई होगी जहां पे सिर्फ SC या ST कैंडिडेट खड़े रहेंगे। ओके, तो वहां पे और कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं रह सकता, ना ओपन का कैंडिडेट ना OBC का कैंडिडेट। बाकी सारी जो सीट्स है वो हर कैटेगरी के लोगों के लिए खुली है। ओके, चलिए, हाउएवर अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व्ड फ्रॉम देम, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, अगर वो पकड़ा जाता है एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको दोनों में से एक चीज खाली करनी पड़ेगी। ओके, वो MLA MLC की पोस्ट पे रह सकता है या तो फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर सकता है। ओके, चलिए, अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाई कोर्ट। ओके, अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर करती है कि भाई ये MLA MLC बनने के लिए जो स्टेडीनेस चाहिए, तो अनसाउंड माइंड अगर उसको डिक्लेयर किया जाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, या तो उससे वो खाली करवाई जाएगी। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलेंटरीली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर एनी अक्नोलेजमेंट ऑफ एलिजेंस ऑफ द एलिजेंस टू अ फॉरेन स्टेट। ओके, तो अगर मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अगर मैं अक्वायर करता हूँ
तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा यहाँ का जो एमएलए एमएलसी का जो सीट है वो क्या हो जाएगा, मुझे वेकेंट करना पड़ेगा. ओके, डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय दी पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई नया रूल बनाती है, कोई नया एक्ट लाती है जिसके अंडर उसको अगर डिस्क्वालिफाइड में हो जाता हूँ. ओके, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट ने बना दिया कि भाई 60 साल के ऊपर का कोई भी बंदा एमएलए एमएलसी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाएगा. ओके, तो बाय द इमीडिएट इफेक्ट मेरा सीट क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा. ओके चलिए, और बाकी के आपको पार्लियामेंट्री प्रोविजन यहाँ आपको दिए गए. ओके, जस्ट गो थ्रू दैट. आपने ऑलरेडी ये आपको पता ही है. ओके, जस्ट आपको एक बार उसको क्या करना है, रिवाइज करना है. ओके चलिए, और ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिया है फॉर द इलेक्शन पिटीशन. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज लेज डाउन दैट नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज टू बी क्वेश्चंस एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर. आपको अगर कोई दिक्कत है तो आपको पहले कहाँ जाना है, इलेक्शन कमीशन के पास जाना है. ओके, बिकॉज दैट इज द कंसर्न्ड अथॉरिटी. सिंस 1966 द इलेक्शन पिटीशंस आर ट्राइबल बाय हाई कोर्ट्स अलोन, वेयर एज द एपेलेट ज्यूरिडिक्शन लाइज विद इन द सुप्रीम कोर्ट अलोन. ओके, क्वाइट सिंपल, आप समझ सकते हो इसको. आर्टिकल 323 बी एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर टू एस्टैब्लिश अ ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सक्लूजन ऑफ अ ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स. ओके, इन सच डिस्प्यूट्स सो फार नो सच ट्राइब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. ओके, आज आज तक ऐसी कोई ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश नहीं की गई है जस्ट स्पेसिफिकली टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स. ओके, इन चंद्र कुमार केस 1997 द क्लॉज ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स इन इलेक्शन डिस्प्यूट्स वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई दी सुप्रीम कोर्ट. ओके, और तब से सारे कोर्ट आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हो. कॉन्सिक्वेंटली इफ एट एनी टाइम एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड एन अपील फ्रॉम इट्स डिसीजन लाइज टू दी हाई कोर्ट. ओके, एंड दैट्स वाई ये जो भूपेंद्र चुड़ासमा का जो केस है वो पहले कहाँ सुना गया, हाई कोर्ट में सुना गया. हाई कोर्ट में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद उसको कहाँ ले जाया गया, सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया. ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एंड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक आई मस्ट से. इट इज पोर्टेबल डिवाइस टू डिटेक्ट एडल्टरेशन इन मिल्क. अब एडल्टरेशन का मतलब क्या है, मिलावट. ओके मिलावट. ओके, तो आए दिन अपने को पता चलता है कि भाई आपका दूध वाला आपको पानी मिला के ही देता है, या कोई ऐसा कोई आजकल नकली दूध मिल रहा है मार्केट में. ओके, तो वो केमिकल वाला दूध अगर बच्चों को दिया जाए, ओके, या कोई किसी को भी दिया जाए, तो वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है ह्यूमन बॉडी को. तो इसके लिए आईआईएससी बेंगलोर ने एक लो कॉस्ट डिवाइस इन्वेंट किया है. ओके, रिसेंटली IISc Bangalore have developed a low cost device to detect the presence of melamine. ओके, और सबसे ज्यादा मेलेमाइन ही दूध में मिलाया जाता है इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, द टेक्निक्स करेंटली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेलेमाइन आर टाइम टेकिंग एंड टिपिकली रिक्वायर एक्सपेंसिव एंड सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट एंड हाईली ट्रेन्ड पर्सन. ओके, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूली डेवलप्ड फ्लोरोमीटर डिवाइस रिसर्चर्स वर एबल टू डिटेक्ट अप टू 0.1 parts per million ऑफ मेलेमाइन इन वाटर एंड मिल्क विच इज मच लोअर देन द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ 1 ppm. ओके, तो अगर 1 ppm जितना प्रमाण अगर मिलता है किसी दूध के पार्टिकल में, सो दैट इज एक्सेप्टेबल. ओके, बट ये जो आपका जो नया डिवाइस है फ्लोरोमीटर डिवाइस, वो 0.1 ppm तक आपको रिजल्ट दे सकता है. ओके, द डिटेक्शन ऑल्सो टुक जस्ट 4 मिनट्स, और 4 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा कि आपके दूध के साथ कोई मिलावट की गई है या नहीं की गई है. ओके, फ्लोरोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पैरामीटर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी और वेवलेंथ. ओके, दीज पैरामीटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड द अमाउंट ऑफ
स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन अ मीडियम, और इस केस में क्या है, मेलेमाइन. ओके, द फ्लोरोमीटर कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स यूजिंग द कॉपर नैनो पार्टिकल्स. द डिवाइस कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड टू डिटेक्ट अदर सब्सटेंसेज सच एज लीड और मर्क्यूरी. ओके, बट दूध में जनरली क्या मिलाया जाता है, मेलेमाइन मिलाया जाता है. फ्लोरोमीटर कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड एज अ स्क्रीनिंग टूल फॉर एनवायरमेंटल एंड फूड क्वालिटी टेस्टिंग. अर्लियर FSSAI has imposed a ban on all milk products from China in September 2008. Okay, so 2008 से चाइना से हम कोई भी मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, क्यों? क्योंकि हमको चाइना में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल रही जो मिलावट वाली पाई गई थी, एंड दैट इज हजार्डस टू हेल्थ. That's why, okay. In April 2019, FSSAI has recommended the extension of the ongoing ban till labs at Indian ports are equipped for melamine testing. तो जब तक ports जहाँ से China का सामान आता है, milk products आते हैं, port पे ही उनकी testing की जाएगी, उसके बाद ही उनको India में enter किया जाएगा. क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी फैसिलिटी पोर्ट्स पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए FSSAI ने वो पोर्ट को वो बैन को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है. ओके, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ मिल्क. ओके, 130-40 करोड़ का देश है. ओके, सो हम सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एंड सबसे ज़्यादा मिल्क कंज्यूम भी करते हैं. ओके, चलिए अब मेलामाइन क्या है. मेलामाइन इज एन ऑर्गेनिक बेस्ड केमिकल मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स रिच इन नाइट्रोजन. इट इज वाइडली यूज्ड इन प्लास्टिक्स, एडहेसिव्स, काउंटरटॉप्स, डिशवेयर एंड व्हाइट बोर्ड्स. ओके, यूज एज एडल्टरेट टू इंक्रीज मिल्क वॉल्यूम. वाटर इज एडेड. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डाइल्यूशन द मिल्क हैज लोअर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन. कंपनीज नॉर्मली चेक द प्रोटीन लेवल थ्रू अ टेस्ट मेजरिंग नाइट्रोजन कंटेंट. द एडिशन ऑफ मेलामाइन इंक्रीजेज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द मिल्क एंड देयरफॉर इट्स अपीयरेंट प्रोटीन कंटेंट. ओके, तो 10 लीटर दूध में अगर मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया, ओके, अब जब टेस्टिंग की जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि भाई नाइट्रोजन कंटेंट तो नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन तो मेरा कम हो गया है. ओके, सो मेलामाइन मिलाने से क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, और इस तरह से उसको एडल्टरेट की तरह यूज किया जाता है, मिलावटी सब्सटेंस की तरह उसको यूज किया जाता है. ओके, मेलामाइन पॉइजनिंग कैन लीड टू किडनी रिलेटेड डिजीज एंड ऑल्सो किडनी फेलियर. ओके, तो देखिए हमें पता भी नहीं चलता कि हम जो रोज दूध पी रहे वो दूध पी रहे वो हमारी किडनी को किस तरीके से डैमेज कर सकता है. ओके, चलिए, तो ये था आपका टॉपिक रिलेटेड टू फ्लोरोमीटर्स. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आर्मी ने एक प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट के सामने कि सिविलियंस को भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आर्मी में सर्व करने का मौका दिया जाएगा. ओके, अभी एज ऑफ नाउ दिस इज ओनली अ प्रपोजल, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है. ओके, चलिए, रिसेंटली द आर्मी हैज प्रपोज्ड 3 ईयर्स ऑफ वॉलेंटरीली टूर ऑफ ड्यूटी. आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, for civilians on a trial basis. Okay, the army plans to take civilians on a 3-year tour of duty or 3-year short service on a trial basis to serve in the force as both officers and other ranks. Okay, ab dekhiye mainly aisa to kyun kiya ja raha hai, taki jo patriotism ki jo feeling hai wo logon mein badhe. Okay, aur jo chahte hai ki bhai mujhe bhi army mein jane ka mauka nahi mila aur ab mujhe army mein jaake serve karna hai country ko, तो उन लोगों के लिए ये रास्ते खोले गए. द प्रपोजल सजेस्ट सेवरल मेजर्स टू इंसेंटिव दिस स्कीम लाइक अ टैक्स फ्री इनकम फॉर 3 ईयर्स एंड अ टोकन लमसम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऑफ अबाउट 5-6 लाख फॉर ऑफिसर्स एंड 2-3 लाख फॉर ओवर्स. ओके, तो ऐसा लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा उनको. हाउएवर देयर विल बी नो सेवरेंस पैकेजेस, रीसेटलमेंट कोर्सेज, प्रोफेशनल एनकैशमेंट ट्रेनिंग लीव, एक्स सर्विसमैन स्टेटस, ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं दी जाएगी. मतलब जो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स को जो चीज़ें मिलेगी,
आर्मी ऑफिशियल को वो चीजें इन लोगों को नहीं दी जाएगी. ओके, द प्रपोजल इज अ शिफ्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सर्विस जॉब इन द आर्म्ड फोर्सेस टुवर्ड्स इंटर्नशिप टेम्पररी एक्सपीरियंस फॉर 3 इयर्स. देखिए, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज में काफी सालों से चला आ रहा है. ओके, कि अगर मैं अपनी जॉब करते करते बोर हो चुका हूँ तो मैं क्या करूँगा, 3 सालों के लिए आर्मी में चला जाऊँगा, मुझे नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ओवरऑल कंट्री को जो शॉर्टेज है आर्मी में, ओके, तो वहाँ पे उनको कंट्री को एट दी होल बेनिफिट मिलेगा. ओके, इट अप्रूव्ड, इट विल बी अ वॉलेंटरी एंगेजमेंट एंड देर विल बी नो डाइल्यूशन इन सिलेक्शन क्राइटेरिया. अगर ये अप्रूव होता है तो द आर्मी होप्स दैट दिस वुड अट्रैक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस इंक्लूडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल. ओके, रैशनल बिहाइंड द प्रपोजल क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म. ओके, आपके जो देश के प्रति जो रिस्पेक्ट की जो फीलिंग जगनी चाहिए वो जगाने का एक तरीके से ये प्रयास है. इन द कंट्री एंड द प्रपोजल अटेम्प्ट्स टू टैप द फीलिंग ऑफ द यूथ हु डू नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी एज अ प्रोफेशन बट विश टू एक्सपीरियंस मिलिट्री लाइफ फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन. ओके, इसे फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा. द कॉस्ट ऑफ 3 ईयर सर्विस पर ऑफिसर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग, पे अलाउंसेस, ग्रेजुएटी लीव एनकैशमेंट अमोंग अदर्स. ओके, तो अगर कोई परमानेंट आर्मी में जाएगा तो ये सारी चीजें उसको देनी पड़ेगी. ओके, कमीशन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पे अलाउंसेस बाकी के देने पड़ेंगे, ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी. इसके रिप्लेसमेंट में अगर कोई सिर्फ 3 साल के लिए आर्मी में आता है तो ये सारी चीजें उसको नहीं देनी पड़ेगी, उसको एक लमसम अमाउंट दे के छोड़ दिया जाएगा. ओके, और मॉडर्नाइजेशन जो ऑफ आर्मी का जो कॉन्सेप्ट हमने 1-2 महीने पहले क्लास में पढ़ा था उसके तरफ बढ़ता हुआ ये एक कदम है. ओके, चलिए, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स टू यूथ क्या होगा. इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड अ जॉब विथ हायर सैलरी बट ऑल्सो एंश्योर्स अ प्लेसमेंट इन कॉरपोरेट सेक्टर्स आफ्टर रिटायरमेंट एज द कॉरपोरेट सेक्टर विल प्रीफर टू हायर सच यूथ्स रादर देन फ्रेश ग्रेजुएट्स. ओके, तो कॉरपोरेट कंपनीज को भी फायदा होगा. इट हैज बीन सीन दैट कॉरपोरेट फेवर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय द मिलिट्री एट 26 और 27 ईयर्स ऑफ एज. ओके, तो इंडिविजुअल को भी फायदा होगा, ओवरऑल कॉरपोरेट मार्केट को भी इससे फायदा होगा और नेशन को तो बेनिफिट होगा ही होगा जो यहाँ पे बताया गया है आपको. ओके, हेल्दी सिटीजन मिलेंगे क्योंकि सारे लोग आर्मी में जाने को ट्राई करेंगे. कभी ना कभी आप हर कोई बंदा अपने जीवन काल में एक बार आर्मी में जा सकेगा. ओके, तो ये सारे और डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि डिसिप्लिन की जो जरूरत है अपने कंट्री को वो आर्मी में जाके लोगों को मिलेगी. ओके, आजकल चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, सिग्नल पे रुकेगा नहीं, कहीं भी स्पिट कर देगा. ओके, सो जो एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन मुझे कैसे रहना चाहिए वो मुझे आर्मी में सिखाया जाएगा. ओके, तो ये आने वाले 10-15 सालों में इससे काफी मेजर बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं. ओके, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली साइक्लोन अम्फान. ओके, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पहुंचाया, वेस्ट बंगाल में और ओडिशा में. ओके, चलिए, रिसेंटली नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी रिव्यूड द प्रिपेयर्डनेस फॉर द इम्पेंडिंग साइक्लोन अम्फान. ओके, अपने को सारी चीजें ये पता ही है. ओके, और ये भी हम जब फैनी तूफान आया था, ओके, तो फैनी तूफान आया था, वो भी आया था उड़ीसा में, वायु तूफान आया था गुजरात में. ओके, उसके बाद छोटे छोटे तूफान बे ऑफ बंगाल और अरब कंट्रीज में आ चुके, अरब सागर में आ चुके हैं. ओके, अरेबियन सी में आ चुके हैं. अम्फान जो था वो काफी बड़ी इंपैक्ट वाला तूफान है. ओके, तो इसीलिए, और उसका नाम दिया गया है थाईलैंड की तरफ से. ओके, फैनी नाम दिया गया था बांग्लादेश की तरफ से, वायु नाम दिया गया था इंडिया की तरफ से. उसके बाद ये जो मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ से जो नाम दिए गए थे वो तूफान ऑलरेडी आकर चले गए हैं, उन्होंने इतनी तबाही नहीं फैलाई. ओके, बट थाईलैंड
की तरफ से नाम दिया गया है अम्फान तूफान का, जिसने सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में तबाही मचाई है। ओके चलिए, साइक्लोन अम्फान इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मड ओवर अ बे ऑफ बंगाल दैट हैज इंटेंसिफाइड एंड लाइकली टू टर्न इन टू अ सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम। ओके 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। ओके अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट इट विल मेक लैंडफॉल एज अ वेरी सीवियर साइक्लोन बिटवीन द सागर आइसलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हटिया आइलैंड ऑफ बांग्लादेश। इट हैज़ बीन नेम्ड बाई थाईलैंड। अफेक्टेड रीजन्स कौन से है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश। अम्फान इज द सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन टू फॉर्म दी बे ऑफ बंगाल इन 2 ईयर्स। द फर्स्ट वन वॉज साइक्लोन फेनी। ओके जिसने भी ओडिशा में काफ़ी तबाही मचाई थी। द प्री मानसून पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अनसपोर्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके और दिस इज द एडिशनल न्यूज़ फॉर यू दैट 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं वेस्ट बंगाल को। ओके अम्फान के अम्फान के बाद जो रिलीफ वर्क स्टार्ट होगा उसके लिए, और उड़ीसा को दिए गए हैं 500 करोड़ रुपए। ओके और प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के साथ एरियल व्यू भी किया जो इफेक्टेड एरियाज थे वहाँ का, और उसके बाद ये रिलीफ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दोनों स्टेट्स को दिया गया है। 1,000 करोड़ टू दी वेस्ट बंगाल एंड 500 करोड़ टू ओडिशा। ओके चलिए दूसरा एक छोटा टॉपिक है, इजी वाला, स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाला था जिसमें जो गार्बेज फ्री सिटीज है उनको 5 स्टार रेटिंग दिए गए थे। तो टॉप 5 में आपको मिलेगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़, सूरत राजकोट गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश और नवी मुंबई महाराष्ट्र। इन 5 शहर, ये जो 5 शहर है वो टॉप 5 की रैंकिंग में आए हैं और उनको 5 स्टार दिए गए हैं। ओके सो ये दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से। ओके अ टोटल ऑफ 6 सिटीज हैव बीन सर्टिफाइड एज 5 स्टार, 65 सिटीज एज 3 स्टार एंड 70 सिटीज एज 1 स्टार। ओके चलिए इसका एम क्या था कि सस्टेनेबल क्लीनलीनेस की तरफ बढ़ना। ओके हर शहर साफ सुथरा मिले, ये उसका बेसिक एम है। ओके चलिए और ये एक सब मिशन है अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर में। ओके चलिए, इट इज बेस्ड ऑन 12 पैरामीटर्स विच फॉलो अ स्मार्ट फ्रेमवर्क। स्मार्ट फ्रेमवर्क क्या है? सिंगल मेट्रिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिगरस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म एंड टारगेटेड टूवर्ड्स आउटकम्स। ओके अब हम 2014 से स्वच्छ भारत कर रहे हैं, अब ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। ओके कि मैं अगर कहीं एक कचरा रास्ते पे फेंक रहा हूँ तो मुझे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है, मुझे डस्टबिन में जाके ही कचरा फेंकना है। जब तक सिटीजन्स आर नॉट अवेयर, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तब तक स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट चलाती रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ओके चलिए, आपको प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्लाइड पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके दिस इज जस्ट फॉर योर इन डेप्थ नॉलेज। ओके कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने उसको मेजर किया है। ओके चलिए, और सिग्निफिकेंस क्या होगा इसके? एक ही सिग्निफिकेंस है कि हर कोई स्वच्छ बने। अगर शहर स्वच्छ हो गए, गांव स्वच्छ होगा, तो जो उसका इफेक्ट होगा हेल्थ सेक्टर पे वो भी काफ़ी पॉजिटिव होगा। ओके और एनवायरनमेंट पे भी उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट अपने को देखने को मिलेगा। ओके चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया टू चेयर WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका चेयरमैन के तौर पर चुना गया है। ओके रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इट विल ऑल्सो बी होल्डिंग अ चेयरमैनशिप ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम मई 2020 टू मई 2021। और करंटली किसने होल्ड करके रखी है चेयरमैनशिप? जापान ने। तो हम जापान से उसको हैंडओवर करेंगे। ओके
The proposal to appoint India's nominee to the executive board was signed by the 194 nation at 73rd World Health Assembly between 18-19 May 2020. ओके, ये वर्चुअली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था. ओके, और WHO मेंबर स्टेट्स आर ग्रुप इनटू 6 WHO regions, ओके, जो हमने आगे भी जब WHO के बारे में डिटेल में पढ़ा था तब हमने देखा था, अफ्रीकन रीजन, अमेरिकाज रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन. ओके, तो ये 6 WHO के रीजन आपको देखने को मिलेंगे. ओके, इन 2019 WHO's साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप हैड यूनैनिमसली डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी इलेक्टेड टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर अ 3-year टर्म बिगिनिंग फ्रॉम May 2020. ओके, एंड इंडिया हैज बीन इलेक्टेड अलॉन्ग with 10 other countries including Botswana, Colombia, Ghana, Guinea-Bissau, Madagascar, Oman, Republic of Korea, Russia and United Kingdom. Okay, तो ये countries का जो group होगा उसको chair कौन करेगा? India करेगा. Okay, अब WHO का executive board कैसे काम करता है, क्या करता है, वो यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है. Okay, so The executive board is composed of 34 individuals technically qualified in the field of health, each one designated by a member state elected to do so by World Health Assembly. Member states are elected for 3-year terms. Okay, chairman kaun hoga? The chairman's post is held by rotation for 1 year among regional groups. It is not a full-time assignment and the chairman is just required to chair the executive board's meetings. ताकि जो सही तरीके से meetings को guide कर सके. Okay, तो chairman का बस यही काम होगा. Chairman के पास कुछ extra power होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. Meeting, the board meets at least twice a year. Functions, the main functions of the executive board are to give effect to the decisions and policies of the World Health Assembly, to advise it and generally to facilitate its work. Okay, or World Health Assembly kya hai? The World Health Assembly is the decision making body of WHO. Okay, kaisa kitna paisa kahan kharch karna hai, kaun se region ko paisa jana chahiye, kaun se program mein use hona chahiye, kaun sa naya program hoga, wo sari cheeze World Health Assembly decide karega with the majority. Okay, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनीवा स्विट्जरलैंड में. ओके, आई होप द टॉपिक इज क्लियर. ओके, सो डॉक्टर हर्षवर्धन हमको रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नाउ टाइम कम्स फॉर योर होमवर्क क्वेश्चंस. सो ये रहा आपका पहला होमवर्क क्वेश्चंस, कोणार्क सन टेम्पल के बारे में है. ओके, विथ रेफरेंस टू द कोणार्क सन टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन, It is a UNESCO World Heritage Site located in Odisha, right or wrong? The government has launched a scheme for 100% solarization of the temple, right or wrong? Okay, chaliye. Question number 2 with reference to Sohrai Kovar paintings. Okay, jo abhi humne padha. Aapko just usko revise kijiye aur isko suniye mujhe aur isko answer karne ki try kijiye. Question number 3, Champions Portal recently seen in news is related to what? Okay, और आपको चार अलग अलग sectors दिए गए हैं, तो किस से relate करता है आपका Champions Portal? Okay, question number 4 है आपका, जो भी topic हमने अभी आपको पढ़ लिया adulteration के लिए, okay, जो मिलावट होती है उसके related ये question आपको दिया गया है, तो वो भी आप इजीली आंसर कर पाएंगे. ओके, और कुछ टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ फॉर योर होमवर्क. ओके, छोटे छोटे और काफी इजी टॉपिक्स है और मोस्ट प्रोबेबली सारे COVID-19 के साथ जुड़े हुए हैं. ओके, चलिए, तो पहला आपको पढ़ना है रीस्टार्ट कॉन्फ्रेंस, दूसरा आपको पढ़ना है चैंपियंस पोर्टल, तीसरा टॉपिक है आपका गोल प्रोग्राम एंड चौथा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो स्कोप है उसको एक्सटेंड किया गया है. ओके, सो इसीलिए मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है. ओके, चलिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.